नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। आइए ले चलते उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा दहली के क्षेत्र में लोग परेशान हैं उनके आतंक से, और फर्जी मीटर में दिखाकर 1 लाख कभी 21,000 का जुर्माना ठोक दिया, कभी किसी पर कितना जुर्माना ठोकिया, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। इसी तरह का मामला भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भगवत सिंह भगवतिया पर भी ठोका। आइए जानकारी करते हैं आपकी क्या है पूरा मामला। भगवत सिंह भगवतिया भाजपा नेता आपके सामने मौजूद। नाम से कनेक्शन लगा हुआ था बिजली का, और हरजीत सिंह के नाम से, जिसको मीटर जो है सुनी सुनी दिखा रहा था, और ये दिखा रहे थे 90,000 1 लाख रुपये करीब मेरे लड़के पे। जब मैंने ऊपर तक मंत्री तक और सारी जो लिखा पढ़ी करी, तो इन्होंने मुझसे कंप्रोमाइज करने की उसमें जेई को AK सिंह ने भेजा, और उस मीटर को इन्होंने उतरवाने की उसमें मुझसे सौदा किया कि मतलब ये आप पे 1 लाख रुपए आपकी OTC आएगी, आप इसको जमा कर दीजिए। 90,000 रुपये फैसला करा इन्होंने, 90,000 रुपये मैंने महेश चंद जेई को दे दिया, जिसने इनको इन्होंने उसी टाइम पे FD बनवाई और FD IC बैंक में जमा कराई उसी टाइम पे, और मुझे जो है कनेक्शन दिया मेरे बड़े लड़के के नाम से 1 किलो वाट का कनेक्शन कर दिया, और कह दी कि जब वो OTC आएगी तो उसमें ये पैसा जमा कर जाएगा, आपको रसीद मिल जाएगी। आज तक वो पैसा जमा नहीं किया है, और इस वक्त इसने उस टाइम पर OTC बनाकर वो बैंक में FD बनाकर जमा कर दिया था। इन्होंने अभी 2-4 दिन पहले अमीन आया था नरेंद्र नाम का, मेरे लड़के की नाम की रिकवरी लेके, मैंने जब उसको बताया कि भाई ये तो हम पैसा दे चुके हैं जेई को, और जेई को जमा कर चुका, और उन्होंने ऐसा था ना हलानी बैंक में जमा करा था 90,000 रुपये। तो जब वो पूरी बोले, जब जेई से बात करी तो बोला गया नहीं अभी मैंने जमा नहीं किया, जमा कर दूंगा, मतलब ये इस तरीके की बातों को बना रहा है। ऐसे ये भ्रष्टाचारी के ये यहाँ खेल खेल रहा है। अगर मेरे लड़के पे पैसा था तो इन्होंने मेरे बड़े लड़के के नाम से 1 किलो वाट में कनेक्शन कैसे दे दिया, कैसे कनेक्शन लगा दिया? मैंने अगर मैंने पैसा नहीं दिया था, या मेरे लड़के ने पैसा नहीं दिया था हरजीत सिंह ने, और उस मीटर को उतार के ले गए, तो मेरे बड़े लड़के के नाम से कनेक्शन कैसे दे दिया, इसका मैं बिल जमा कर रहा हूँ। अगर आपकी समस्या समाधान नहीं हुआ तो आप क्या चाहते हैं फिर? ये एक मामला नहीं है, ये इस इलाके में अनेक मामले हो गए हैं, भयंकर मामले हैं, ये पार्टी को बदनाम करने लगे हुए हैं। एक फसाद अली और है चीफ साहब का, स्टेनो बताया या कौन बताया, PRO बताया है, वो वहाँ से दलाली कर रहा है बैठ के। वो इलाके में अगर कोई शिकायत करने जाता है तो फ़ौरन JEO को और उनको ATO को बता देते हैं कि तुम्हारे इलाके से भलाने जाने शिकायत करने आए। ऐसे इसने लाखों रुपये इन पर कनेक्शन दे रखे हैं इसी JEE ने, जिसके हमारे पास सबूत आएंगे। अगर ये नहीं माना, हम लिखा पढ़ी ऊपर तक कर रहे, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, विद्युत मंत्री को भेज रहे हैं, जिलाधिकारी को भेज रहे हैं, अगर ये नहीं माना और इन हरकतों से नहीं सुधरा और इसने हमारा पैसा जमा नहीं कराया, तो हम मजबूरन जनता के जनहित में और पार्टी के सच्चाई के लिए हमें मजबूरन गुल्लर रोड पर धरने पर बैठना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवारी जिलाधिकारी महोदय की होगी और यहाँ के चीफ की होगी।